Assalamu alaikum, level 3. How are all of you? I hope so that all of you are fine. Today we will do the question answers of unit number 11, the sun and the planets. For the question answers, you will take out your science books and also take out your resource pack which you have received from your school. Okay students, take out your science book. Open page number 72. These are the question answers in page number 72. Answer the following questions. The answers of these questions are in your resource pack. You will also take out your resource pack. I will read the question from the book and then I will read the question the answers of these questions from the resource pack. Can you name some shining bodies that you see in the sky at night? क्या आप कुछ shining bodies के नाम ले सकते हैं जो आपने रात को देखी हैं आसमान पे? जी बच्चों, हमने पढ़ा था हमारे चैप्टर के अंदर, ये लिखा हुआ था डिफरेंट बॉडीज थी, आप रिकॉल करें. सम ऑफ द शाइनिंग बॉडीज, जो कुछ शाइनिंग बॉडीज हैं वो स्टार्स हैं, कॉमेट्स हैं, मीटोर्स हैं, एस्टेरॉइड्स हैं एंड प्लैनेट्स हैं. ये कुछ बॉडीज हैं जो हम लोग देखते हैं रात के टाइम आसमान पे. जी बच्चों, नाउ वी विल कम ऑन द बी पार्ट. व्हाट इज द यूनिवर्स? यूनिवर्स किसे कहते हैं? व्हाट इज द यूनिवर्स? जी बच्चों, यूनिवर्स किसे कहते हैं? ये भी हम लोगों ने पढ़ा है. ऑल द शाइनी बॉडीज आर इन वास्ट स्पेस कॉल्ड यूनिवर्स. जितनी भी शाइनी बॉडीज हैं जो हमारी स्पेस के अंदर हैं उसको यूनिवर्स कहते हैं, और हमारा अर्थ भी यूनिवर्स का एक पार्ट है, ये भी हमने पढ़ा था. सी, व्हाट इज अ स्टार? स्टार क्या होता है? बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोग पिछली क्लासेस में भी पढ़ते रहे हैं. स्टार्स आर बिग बॉल्स ऑफ बर्निंग गैसेस. स्टार्स जो हैं बर्निंग गैसेस के बिग बॉल्स हैं जो हीट और लाइट देते हैं. जी नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, व्हाट इज अ प्लैनेट? प्लैनेट किसे कहते हैं? ये हमने इस चैप्टर में पढ़ा है, 8 प्लैनेट्स के नेम्स भी पढ़े हैं हम लोगों ने, आपको पता होना चाहिए प्लैनेट किसे कहते हैं. प्लैनेट्स आर बॉडीज दैट मूव अराउंड द सन. प्लैनेट्स वो बॉडीज हैं जो सन के इर्द गिर्द घूमती हैं. जी नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट, ई पार्ट. व्हाट इज एन ऑर्बिट? ऑर्बिट किसे कहते हैं? ये भी हमने पढ़ा है, मैंने आपको उसकी पिक्चर भी दिखाई थी जो व्हाइट कलर के पाथ्स थे. रिकॉल करें आप, द पाथ ऑफ अ प्लैनेट अराउंड द सन इज कॉल्ड एन ऑर्बिट. वो रास्ता जिसके प्लैनेट्स चलते हैं सन के इर्द गिर्द उसको क्या कहते हैं? ऑर्बिट कहते हैं. इसकी पिक्चर भी मैंने आपको दिखाई थी. ओके नाउ कम ऑन द सेकेंड पार्ट, राइट द नेम्स ऑफ द हेवनली बॉडीज. अब उन्होंने इसकी डिस्क्रिप्शंस बताई हुई है कुछ बॉडीज की और आपने उनके नेम्स बताने हैं. ए पार्ट है, टिनी पीसेस ऑफ रॉक्स दैट हीट अप एंड ग्लो, दे आर ऑल्सो कॉल्ड शूटिंग स्टार्स. इनको शूटिंग स्टार्स भी कहते हैं. जी बच्चों, ये हमने पढ़ा, ये आपके रिसोर्स पैक में भी हमने आपकी हेल्प के लिए लिखा हुआ है, चैप्टर के अंदर भी लिखा हुआ है, इसे आपने पढ़ा भी है, तो आप इसको गेस करें जल्दी से. हरी अप गेस करें इसको. इनको कहते हैं मिटोर्स. क्या कहते हैं? मिटोर्स कहते हैं. टीनी पीसेस ऑफ रॉक्स होते हैं जो हीट अप हुए होते हैं और ग्लो हुए होते हैं, और इनको शूटिंग स्टार्स भी कहा जाता है. तो ये हैं हमारे मिटोर्स. ओके नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास बी पार्ट, रॉकी लम्प्स दैट सर्कल अराउंड द प्लैनेट, जो प्लैनेट्स के इर्द गिर्द होते हैं. जी बताएं बेटा, ये इनको क्या कहते हैं हम लोग? ये भी हमने पढ़ा था, वी कॉल देम एस्टेरॉइड्स. इनको क्या कहते हैं? एस्टेरॉइड्स कहते हैं. नाउ कम ऑन द सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट, वेंडरिंग लेंथ्स ऑफ आइस एंड डस्ट दैट हैव अ लार्ज ग्लोइंग हेड एंड टेल. जी बच्चों, जिनकी हेड एंड टेल, जो लार्ज ग्लोइंग हेड और टेल भी ग्लोइंग होती है, ये भी हमने पढ़ा था. ये किसे कहते हैं? कॉमेट्स को कहते हैं. किसे कहते हैं? कॉमेट्स. ओके जी, नाउ विल कम ऑन द डी पार्ट,